क्या फ्रॉड फ्रॉड हुआ? ये हुआ है सर, मेरे मामा का लड़का था तो वो मेरा और मेरी वाइफ का, मेरे पापा का अकाउंट ले गया ये बोल करके, जनधन के योजना से आपको 1500-1500 रुपये मिलेंगे। तो उस बात को हो गया, इसी नए साल की बात है, 1-2 महीने पहले की, मतलब 12-14 महीने हो गए। फिर सर वो मतलब ले पिछले गया, साल वो की बात है, ठीक है। पिछले साल की बात है। तो सर वो लेके चला गया, हमारा खास मामा का लड़का था। अब वो उसमें हुआ क्या सर, क्या उसमें फ्रॉड हुआ है? पैसे मतलब उसने डलवाया किसी, कोई उसने बोला कि किसी और को दे दिया, उसने पैसा डलवाया, वो पैसा निकाल के कुछ ले गया उससे परसेंट के हिसाब से। वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था अच्छा ठीक है। मामा का लड़का। तो सर वो बाद में जब ये नई साल को, पिछले साल को अजमेर से हमारे घर पर पुलिस आई, तब हमको पता लगा। पिछले साल को मतलब, नई साल को इसी पिछली मतलब साल अच्छा को आई मतलब थी ठीक पुलिस, है, तो हाँ ठीक हाँ है। तो पुलिस आई तो हमको पता लगा सर। तो फिर हमको पता लगा तो हम वो पुलिस वालों के पास में तो गए नहीं थे, क्योंकि हम घबरा गए थे, पता नहीं क्या है। मतलब वो बता रहे थे कि इतने का फ्रॉड हुआ है और ये है वो है, तो सर हम वहाँ गए नहीं। फिर मैं अपने आगरा में ही कोर्ट में गया था और वहाँ वकील साहब से बोला था, तो उनने एक मतलब वो लगाया था दरखास्त मामा के लड़का के खिलाफ मतलब मामा के लड़के के खिलाफ आपने एक कंप्लेन की, राइट? कि हाँ हाँ ठीक मैंने है, वहां से आगरा में तो लगाया था, कंप्लेन कैसे की, कोर्ट के माध्यम से, थाने में कैसे की? मतलब कोर्ट के पता नहीं वकील साहब से पता नहीं उन्होंने पैसे लिए थे और मेरे को मतलब कोर्ट के बताने से ही किया था मैंने। तो उन्हें एक एसएसपी के यहाँ के लिए लिखी थी और एक मतलब थाने के लिए लिखी थी, ठीक है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मैं काम करने लग गया सर, जब से कोई आया नहीं। तो फिर मैंने एक पापा का अकाउंट, मतलब मेरा एक छोटा सा परचूने का दुकान है घर में ही, तो मैंने वो दुकान का काम खोला, तो मैं थोड़ा सा ही उसमें एक अकाउंट खुलवाया दूसरा, तो वो मेरा अकाउंट सीज कर दिया था उनने मेरे पापा का। तो मतलब जो मैं नया बैंक गया, खुलवाया वो भी बंद हो गया। वो भी बंद कर दिया। वो उसमें तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, मगर वो फ्रॉड कैसे, वो कैसे बंद किया था कि मैं बैंक में खुलवाया था। तो मैं बैंक गया, उनने मतलब फतेहाबाद पुलिस का नंबर दिया, उनने फिर पुलिस फतेहाबाद पुलिस वालों को कॉल किया, तो उनने फ्रॉड का बताया था। वो साइबर क्राइम का नंबर दिया, तो उन पर बात की, तो सर मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सर 2 लाख रुपये, 2 सवा 2 लाख रुपये का आपके नाम पर फ्रॉड हुआ है, आपके वाइफ के नाम से और आपके पापा के नाम से। तो सर अब इसमें क्या करूं सर मैं थोड़ा। देखो, फ्रॉड का इन द सेंस है कि आपने जो बताया कि मामा के लड़के को आपने जो भी अपना खाता दिया, तो उसने आपके खाते का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया, उस पे साइबर फ्रॉड के पैसे मंगाए, किसी के साथ जी ठगी के पैसे या जो भी पैसे, तो बिल्कुल आपके फिर खाते पे तो कंप्लेन मतलब बहुतों के साथ किया होगा, लेकिन हर कोई बंदा कंप्लेन करता नहीं है, और हर कोई करता भी है तो हर किसी पे कार्रवाई होती ही नहीं है। लेकिन जी उसमें जब किसी ने कम की कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर आपके अकाउंट पे फ्रीज लगा या FIR हुई है, जिसको लेकर पुलिस भी आई थी, या अभी भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होगा, तो जिसकी वजह से आप उस पर नया खाता कहीं भी खोलोगे तो वो उनके निगाहों में आ जाता होगा, जिस वजह से आप नया जी खाता भी खोल रहे हैं तो अकाउंट फ्रीज हो रहा है, तो उसको आपको जी क्लोज करवाना होगा। क्लोज करवाने के लिए आपको पता करना होगा कि आपके खाते का स्टेटमेंट निकाला था, कौन से बैंक में खाता था, मेरा तो सैलरी, मैं पेट्रोल पंप पे ही नौकरी करता था, सैलरी अकाउंट था जीरो बैलेंस वाला, कौन और से मेरे बैंक का पापा था। वो HDFC बैंक का था सर। HDFC बैंक से जाकर आप पूछें, उनसे स्टेटमेंट निकलवाएं, देखें कितने का लेन देन है, उस खाते में कोई जी पैसे भी पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, उसमें सर हमारा ATM कार्ड जो ब्लॉक हुआ था, हमको तो मालूम नहीं है सर उसमें कितना पैसा तो पड़ा है बैंक कितना में नहीं पड़ा जाओगे तो है। बैंक वाले तो बता देंगे ना। अच्छा, बैंक में जाकर आप पूछताछ करें उस खाते के बारे में, उसका स्टेटमेंट जी निकालें, और फिर उसको लेकर आप बकायदा मतलब कंप्लेन करें कि आप इसमें निर्दोष हैं, पुलिस को आपको सारे चीज़ें बताने। और जो मामा के लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर उसके खिलाफ मैंने वो करा तो वो कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर वो एक मेरा दोस्त भी था, उनने मतलब कई लड़कों के हमारे साथ में ऐसा हो गया था, तो वो यहाँ से फिर भाग गया जब पुलिस आई, तो वो चला गया। तो सर हम लोग फंसे, अब अपने घर पे रहते हैं मतलब वैसे गांव में, तो सर पुलिस आ रही है तो वो परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं, मैंने फिर परेशान तो मैंने आपका पुलिस वीडियो करेगी तो ही हाँ तो आपको, क्योंकि इसका सब कुछ आपके है, लेकिन फिर आपको उस इंसान को, वो भाग गया, उसके माँ बाप तो नहीं भाग गया, उसका घर का एड्रेस होगा, कुछ तो होगा आपके पास, सर वो भी किराए पे रहते हैं, वो भी वहीं पर रहते हैं, वो लोग भी कहाँ की बात है ये, जी आगरा से है सर, आगरा तो जो मतलब मामा खिरिया लोग थे मुंडन वो भी से, किराए पे ही रहते हैं, वो सब हम सब किराए पे ही रहते हैं सर वहाँ पे, और आप भी जितना अभी किराए पे तक रहते हो। सब सब किराए पे रहते हैं सर। अच्छा, हर कोई किराए पे रहते हैं, तो उसका कोई मामा तो होंगे भैया, उसने फ्रॉड किया, उसके चक्कर में आप या आपके और भी लोग फंसे हुए हैं, तो उस पर आप लोग कंप्लेन करें मिलके, उसका अता पता दे, तो अब पुलिस उसको कंप्लेंट कैसे पकड़ेगी। करें सर, वो पुलिस वाले तो अब हमको बुला रही है वहां पर, तो वो बंद कर देगी सर हमको।
हाँ वो तो है कि वहां जाइएगा तब तो फिर बिल्कुल। कहाँ बुला रही है पुलिस, कहाँ पे केस हुआ पुलिस है? ये पते पहले तो जो आया था मेरे पास में, जो राजस्थान अजमेर का था, वहाँ बुला रही थी। मैं वहाँ गया नहीं था। मैंने सोचा, मैंने कि अगर मैं किसी वकील साहब से मिलके नहीं, अगर वो अगर रफे रफे वैसे अगर जमानत हो जाती है और नहीं वो बंद कर देंगे तो सर मेरा तो गुजारा भी नहीं तो चलेगा ना नहीं, सर तो फिर आजकल। पुलिस वाले ने कुछ दिया होगा ना, FIR नंबर, कंप्लेन नंबर कुछ तो दिया वो होगा। कुछ नहीं दे के जा रहे हैं। 2-3 बार आए बस, नोटिस वगैरह लेके भी आए, पर वो मतलब बोल जाते हैं और चले जाते हैं, बोल जाते हैं चले जाते हैं। मैं क्या घर बोल पे के चले फिर निकल जाते जाते, हैं? वो चले जाते हैं अगर थाने आइएगा थाने आइएगा, इनका पैसा वापस करना पड़ेगा 32,000 का कुछ ऐसा पैसे बताया था उनने। पहला तो वो रहा था, अब नया जो मेरा खाता मैंने खुलवाया था वो अपना अलग से चला रहा था, तो वो अकाउंट में 15,000 रुपये तो ब्लॉक कर दिया था। तो अब ये साइबर क्राइम से मतलब वो आ रहा है तो वो फिर क्यों फतेहाबाद ब्लॉक से। हुआ? तो वो ब्लॉक होने के पीछे कारण? वो ब्लॉक ये इसलिए बता रहे हैं कि वो PNB का जो हमारे पापा का अकाउंट दिया था वो ब्लॉक हुआ है। फिर उसके उसी आधार पे मतलब कार्ड पे, और वो दूसरा था अपने लोन मतलब अकाउंट चला रहे हो, तो वो कह रहे थे कि तुम अलग अलग लोन मतलब वो क्या नाम है अकाउंट चला खोल कर चला रहे हो, मैं सारे लोग मतलब अकाउंट सब सीज कर दूंगा तुम्हारे। तो हमने कहा सर हमने कुछ करा नहीं है, था हमें मालूम भी नहीं था कि मतलब इतना बड़ा जितने मतलब भी क्राइम उस हो आधार जाएगा। कार्ड पे लिंक है ना, हाँ वो तो उस आधार कार्ड पे लिंक है, वो सब मतलब ब्लॉक कर दिए गए। अच्छा। नहीं तो ये तो देखो आप एक तरीके से पीड़ित हो, तो मतलब अभी जो तो फैजाबाद वाले ने क्यों किया ये मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब आखिर जो पहला वाला PNB का था उसी को लेकर ये नया वाला भी ब्लॉक हुआ है ना? जी, अच्छा, तो इसमें वही चीजें हैं। उस समय आपने इनके जो मतलब पुलिस वालों के नंबर दिए गए हैं सर वो बहुत कॉल कर रहे हैं, अगर उनसे मतलब कैसे मतलब उनसे पहले अगर मतलब जैसा बेल हो सकती है या पहले उनके पास जाएगा उसके बाद में बेल होगा। नहीं, इसमें बेल जैसा भी कुछ नहीं है, अरेस्ट जैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन अब यही है ना कि आपका खाता किसी और ने चलाया, किसी और ने इस्तेमाल किया, ये जी कैसे सर वो माना हाँ जाए? यही तो सर, अब ऐसे मतलब अगर साइब मतलब हम फ्रॉड करते तो अपने ही अकाउंटों पर क्यों करते, मेरा वाइफ का मेरे अपने पापा जी का। नहीं, ये चीजें तो मतलब आपके डिफेंस में नहीं हुई ना। कोई भी करेगा तो अपना ही अकाउंट इस्तेमाल करता है ना, नहीं वो फ्रॉड बात भी तो ठीक है करेगा सर, लेकिन हमको तो। मालूम नहीं था ना ऐसा कि हाँ तो मामा का आपको लड़का ये खास चीज ब्लॉक साबित करके करनी ऐसे। होगी ना कि अपना अकाउंट किसी और को दिया या आपका अकाउंट कोई और चला रहा था और वो आपसे धोखाधड़ी में ये कह के ले गया कि भैया हम आपका खाता खुलवाने ले जा रहे हैं, गेट करवाने ले जा रहे हैं। इसकी शिकायत कैसे हम मतलब द्वारा मतलब कैसे की जाएगी सर, मतलब हर कोई इसकी बताता शिकायत नहीं है तो आप सर वकील ऑनलाइन के साहब से कि। माध्यम से ही करें, सबसे अच्छा और आसान तरीका वही होता है। आपके पास उस अच्छा बंदे का एड्रेस अता पता है ना? वो बंदा तो मिल जाएगा, लेकिन वो फिलहाल भाग गया है, वो अपने मतलब भैया मामा का लड़का, उसके मतलब चाचा अरे का लड़का मामा का रहता है वहाँ लड़का है तो, हैदराबाद। है तो इसी दुनिया में, कहाँ पे है वो हाँ तो है पता ही होगा हैदराबाद में आपको। चला हैदराबाद गया है वो अभी इस समय, हैदराबाद नहीं चला गया है तो है तो इंडिया के अंदर, गया। आपको उसको हाँ अरेस्ट हाँ करवाना पड़ेगा। वो अगर आएगा तभी आप या आपके जो भी 3-4 लोग बचेंगे, वो भागेगा तो फिर आप उसकी वजह से सब लोग परेशान होंगे। फंसे सही है। तो उसको तो भैया अंदर जाना पड़ेगा, अगर 3-4 लोग या और भी लोग जो उसकी वजह से परेशान है, किसी ना किसी अच्छा को तो अच्छा सामने आना पड़ेगा ना, अपनी गलती माननी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर अपराध हुआ है तो किसी ने गलती की है तभी तो आप बचोगे। ये बात बिल्कुल सही है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपने कोई पार्ट नहीं है, आपका अकाउंट वो ले गया, लेकिन अब इस चीज को तो वही हामी भरेगा तभी होगा। या आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि हाँ भैया हमने कंप्लेन दी थी थाने में, FIR नहीं हुई, तो उसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ वो हमने जो लिखाया था वकील साहब ने लिख करके दिया था ना, तो वो उनका जो पेपर मतलब कॉपी हमारे पास है उसका, नहीं तो कॉपी है तो थाने में पहुंचा नहीं पहुंचा, थाने की कोई मोहर या कुछ है आप? वो उनने बोला था कि हम पहुंचा देगा ना, वो उनने बोला था ये अपने पास रखो और ये हम एक एक कॉपी इनकी थाने में मतलब थाना और आज मतलब क्या कहते हैं SP उसको के पास भिजवा SP के देंगे पास तो भिजवा भैया देंगे, उनने उनने बोला मतलब था। बाई पोस्ट उनको भेजा है तो उसका भी तो कोई सबूत होना चाहिए ना। अच्छा, तो ये तो आपने ये जो वकील कंप्लेन साहब से लिखी किया तो था। वो हिसाब से आप पूछें उस चीज को। अच्छा, के ज़माने में आप बैंक यूज़ करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप किसी भी फ्रॉड बंदे का पेमेंट तो रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी को अपना अकाउंट ना दे, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में। अगर आपका भी अकाउंट किसी भी कारण से फ्रीज हुआ है, पुलिस आ रही है, कोई FIR हुई है लेन देन को, ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजेक्शन को लेकर, चाहे वो टेलीग्राम हो या ऑनलाइन किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, या आपका पैसा डूबा है, आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, अपना अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराएं, साइबर क्राइम पुलिस से अपनी कंप्लेन कैसे हटवाएं,
चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, क्या क्या लीगल ऑप्शन है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, पुलिस आए तो कैसे बचे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा।